दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि छात्र आज बैठ गए हैं धरना प्रदर्शन में। बैठना ही पड़ेगा और यही कारण है कि आज कल जो हलचल है वो बढ़ी हुई है और शासन की तरफ से लगातार जो है वो घोषणाएं की जा रही हैं। और हम लोग बात करेंगे कि ये जो छात्र हैं वो आज यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं और यहाँ पर मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं प्रतियोगी छात्र मोर्चा की विकी खान जी बताइए। आज हम लोग का बैठने की वजह यह थी कि पिछली वार्ता जब हम 8 दिसंबर को आदरणीय अध्यक्ष महोदय से किए थे तो उन्होंने आश्वासन स्पष्ट दिया था, दो मांगों को लेकर हम लोग पहुँचे थे उनके दर पे, उनके दहलीज पर, कि विज्ञापन वर्ष 2022 की सीटों में वृद्धि हो जाए, अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए आप, और या तो आप जो है परीक्षा तिथि की घोषणा कर दीजिए। दोनों मांगों को उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है, तो वो आईएएस अधिकारी हैं, दिमाग भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि आईएएस की तैयारी करने के बाद ही हम जो है बीएड किए थे, इसलिए जो है हम भी थोड़ा बहुत जो है उनके साथ चहलकदमी करते रहे। उन्होंने कहा कि 10 दिनों में आपको इन चीज़ों से अवगत कराया जाएगा कि चयन बोर्ड ने क्या निर्णय किया है, कि सीटों की वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलेंगे या वह परीक्षा तिथि की घोषणा करेंगे। लेकिन 10 दिनों का समय बीतता गया, 8 दिसंबर से को वार्ता हुई थी और ये धीरे 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 करते 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 ये 26 दिसंबर को फिर हम लोग जो है डिप्टी सचिव साहब से मिले। सबसे बड़ी एक कमी है आदरणीय अध्यक्ष महोदय में कि सैलरी तो वो चयन बोर्ड के कोष से लेते हैं लेकिन ज़्यादातर अपना समय जो है अवध में बिताते हैं, नवाब हो गए, लखनऊ के नवाबों की तरह उनकी जीवन शैली है। और उत्तर प्रदेश का जो नौजवान बेरोजगार है जो बिल्कुल सड़कों पे, उसके लिए वो दाने दाने को मोहताज है, खाने के लिए रोटी नहीं है, किस तरीके से अल्लाह पाक की अजीमो तरीन मुकद्दस जमी पर अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहा है, इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। ज्यादातर लखनऊ में उनको अपना समय देना है, इसलिए 26 दिसंबर को हम लोग फिर उस मामले पर समझने के लिए आए कि आखिर निर्णय किया गया कि नहीं चयन बोर्ड द्वारा। तो डिप्टी सचिव साहब से मुलाकात हुई, फिर भी वही उन्होंने भी वही ढुलमुल बताया कि अभी जो है पेशो पेश में है चेयरमैन साहब की सीटों में वृद्धि के लिए पोर्टल खोलें या परीक्षा तिथि की घोषणा करें, करें तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप कह सकते हैं कम शब्दों में कि इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है। ये नया आयोग के बारे में जो चर्चा है तो ये स्पष्टीकरण कुछ हुआ कि जो विज्ञापन आया है ये निरस्त होगा या इसकी परीक्षा होगी, क्या होगा इसका नया आयोग की परीक्षा होगी? विद्यार्थियों में ये भी एक प्रश्न है जिनको ज्ञान नहीं है, उनके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है मन में जी। कल जो है 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है, निर्देश दिया है अधिकारियों को। यह कवायद पिछले 3-4 सालों से चल रही है और लगातार चल रही है, यह एक जो है साजिश है हमारे समझ से उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के साथ। ठीक है, अगर उनको आयोग बनाना है वह आयोग का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व है, वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वह वीरेश कुमार जी हैं, उन्होंने विज्ञापन वर्ष 2022 में 4163 पदों का विज्ञापन निकाला है, वह सक्षम है कि वह परीक्षा तिथि की घोषणा कर सकते हैं, परीक्षा करा सकते हैं। अभी तक नए आयोग के गठन की वजह से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं है चयन बोर्ड को कि आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, न ही शासन के द्वारा कोई निर्देश प्राप्त है, न किसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्देश प्राप्त है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की वजह से विज्ञापन निरस्त हो सकता है या परीक्षाएं लंबित हो सकती हैं या कोई कार्य नहीं करने के लिए जो है रोका गया है चयन बोर्ड को, या कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हमारा यह मानना है कि अभी जो चल रहा है चयन बोर्ड अस्तित्व में है तो वो अपना परीक्षा तिथि की घोषणा कर दें या सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोल दें। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि एक यह भी कसमकस चल रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा या प्रयागराज में होगा। अभी जो भी नोटिस
दिखाई दे रही है उसमें प्रयागराज का उल्लेख है, लेकिन अभी हमको इस बात पर संदेह है क्योंकि हुकूमत कभी भी कुछ भी बेरोजगारों के साथ कर सकती है। मेरे भाई, अगर अगर प्रयागराज से मुख्यालय लखनऊ गया तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा सड़कों पर उतरेगा और इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। इतना बड़ा विरोध होगा कि जो है हुकूमत को भी समझना होगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही रखना पड़ेगा, या तो मोहब्बत से या ताकत से। बहुत मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।